Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today we will start our chapter number 1. The name of the chapter is number system. So let us start. First we will discuss its all basic points. The first point is natural numbers. Natural numbers kya hote hain beta? Jo 1 se start hote hain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and up to so on. सेकेंड है होल नंबर्स. होल नंबर्स जब नेचुरल नंबर्स के बीच में हम जीरो को और लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स. मतलब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जीरो से. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड अप टू सो ऑन. उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ में नेगेटिव नंबर्स और लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स. आप देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स थे 1, 2, 3, 4. अगर हमने जीरो साथ में लगा दी तो वो बन गए होल नंबर्स. अब इन जीरोस के साथ में, जीरो और नेचुरल मतलब होल नंबर्स के साथ में जब हम नेगेटिव नंबर्स और अटैच कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या बन गया है? ये बन गया है इंटीजर्स. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स की फॉर्म होती है पी बाई क्यू. पी बाई क्यू फॉर्म के जो नंबर होते हैं, मतलब कि जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर्स. इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो क्यू होता है वो नॉन जीरो होता है और पी और क्यू दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1. Is zero a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to zero? ये है आपकी exercise 1.1 और उसका है ये question number 1. क्या पूछा है उसने कि क्या zero एक rational number है? क्या हम इसको p by q form में लिख सकते हैं जहाँ p और q integers हो और q non-zero हो? तो बताइए बेटा, क्या zero एक rational number है? Yes, zero is a rational number. ठीक है, क्यों है? Yes, zero is a rational number because हम zero को लिख सकते हैं ऐसे 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3. हम zero को ऐसे लिख सकते हैं. denominator हम उसका कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये कैसी form है? p by q form है. और आप देख सकते हैं कि q क्या है? नॉन जीरो है. और p एंड q दोनों के दोनों क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं. वन और जीरो और वन दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स. अभी मैंने आपको बताया था ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड सारे नेगेटिव नंबर्स. तो आप देख सकते हैं कि जीरो और वन दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं. और वन जो है, क्यू जो है, क्यू की वैल्यू कितनी है? 1. तो क्यू कैसा हुआ? नॉन जीरो. तो इसका मतलब यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. ये क्वेश्चन बेटा आप सेम क्लास 8 में भी कर चुके हैं. आपने वहां पर रेशनल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा था और हमने एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 में की भी थी, जहां पर हमें ऐसे ही रेशनल नंबर्स निकालने होते थे. तो देखिए, ये है 3, ये है 4. तो हम क्या करते हैं, इनको सेम बनाते हैं. मान लीजिए इसको 10 से ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. तो 10 3 जा कितना हुआ? 30 by 10 एंड 10 4 जा 40 by 10. तो देखिए, रेशनल नंबर्स निकल गए. रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर कौन से हुए? 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 35 by 10, 36 by 10, 37 by 10, 38 by 10 एंड 39 by 10. ये सभी रेशनल नंबर्स हैं 3 एंड 4 के बीच में. आपको कितने निकालने थे? 6. तो इनमें से कोई भी 6 आप ले सकते हैं. तो आप नीचे लिख सकते हैं एनी 6 कैन बी टेकन. इनमें से हम कोई भी 6 ले सकते हैं क्योंकि ये सभी नंबर्स 3 और 4 के बीच में हैं.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ट्रू फॉल्स आपको इसमें बताने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. तो बताइए क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो होल नंबर्स की कलेक्शन होती है उसमें सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं. ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स. क्योंकि आपको पता है बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी होल नंबर्स होते हैं. और नेचुरल नंबर्स ये होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं. तो इसका मतलब हर नेचुरल नंबर क्या हुआ, एक होल नंबर भी हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई. सेकंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. क्या ऐसा हो सकता है कि सारे इंटीजर होल नंबर्स हो? नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ये होते हैं 0 पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, ये सारे इंटीजर्स हैं. अब क्या ये सारे इंटीजर आपको होल नंबर लगते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स तो ये होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं. ये सारे होल नंबर्स हैं, ये तो नहीं है ना. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं लेकिन होल नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल -3 क्या है, एक इंटीजर है लेकिन वो एक होल नंबर नहीं है. कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस इज थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर. क्या कह रहे हैं वो, कि सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं. अब आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो है वो फ्रैक्शनल भी होते हैं. ठीक है, लेकिन होल नंबर्स तो फ्रैक्शनल नहीं होते. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है. तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है. तो सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते. फाइन, सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सो डू इट योरसेल्फ. So this is your homework. Do exercise 1.1 in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see all these solutions. So do your work properly. Take care and bye-bye.